भागलपुर बम विस्फोट मामले में बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने प्रेस वार्ता कर इस मामले की जानकारी दी। डीजीपी ने कहा, लगभग 11:30 पर रात को बम विस्फोट हुआ, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई। 10 लोग अभी भी घायल हैं, जिनका इलाज भागलपुर मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। 3 घर धराशाही हुए हैं। घटनास्थल के नजदीकी थाना ततारपुर के थानाध्यक्ष संजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने घटना के मामले में उनको लापरवाह पाते हुए कार्रवाई की है। डीजीपी ने कहा कि जिन घरों में विस्फोट हुआ और घर में पटाखा बनाने का काम कई वर्षों से चल रहा था, घर का मालिक मोहम्मद आजाद है, उससे पहले लीलावती देवी थी जो कि वर्षों से पटाखा बनाती थी, वहीं आजाद ग्रिल का दुकान चलाता था। इस घटना से पूर्व 2002 में भी उसी घर में ऐसा विस्फोट हुआ था। इन घरों में बिना लाइसेंस के पटाखे बनाए जा रहे थे। इतने भारी मात्रा में पटाखा बनाने का बारूद कहाँ से आया, यह पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। हालांकि इन सभी बिंदुओं पर जांच करने का आश्वासन डीजीपी ने दिया है। डीजीपी ने कहा, पहले हमारा ध्यान रेस्क्यू ऑपरेशन पर था, अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाने के बाद सारे बिंदुओं पर एक एक कर जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना भागलपुर में जो ततारपुर थाना अंतर्गत कसवाली चक मोहल्ले में कल रात 11:30 के आसपास की घटना है। तो क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त थे ये रिपोर्ट तैयार करने में और सूचना इकट्ठी करने में, और साथ साथ जो लोग मलबे में दब गए थे उनको पहली प्रायोरिटी थी कि उनको बाहर निकाल के उनका इलाज के लिए भेजा जाना, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों से भी बातचीत करने में विलंब हुआ। लेकिन अब हम जो हैं आपको पूरा विस्तार से घटना के बारे में बता देंगे, उसके बाद जो आपके प्रश्न होंगे उनके भी उत्तर जो है वो देंगे। तो घटना इस तरह की है कि कल रात में 11:30 जो मोहल्ला कसवाली चक है, ये ततारपुर थाना अंतर्गत पड़ता है भागलपुर जिला में, तो वहाँ पर एक घर है जिसके मालिक हैं मोहम्मद आज़ाद, और उस घर में किराएदार के रूप में लीलावती देवी और उनके परिवार के कुछ सदस्य रह रहे थे। तो 11:30 के आसपास बहुत ही जो है शक्तिशाली एक विस्फोट हुआ, और उसके बाद जो है उसमें जो मेन घर था जिसके मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके अलावा आसपास के भी जो है कम से कम 2 और घर वो भी क्षतिग्रस्त हुए, और उन घरों में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको भी बहुत क्षति पहुंची है। मैं विस्तार अभी आपको दे देता हूं। और घटना की सूचना मिलते ही सारे के सारे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, SSP साहब हैं, DIG साहब हैं, हमारी डॉग स्क्वाड की टीम, हमारी FSL की टीम, वो अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग में वहाँ पहुँच गई थी और उसका बहुत बारीकी से वो जांच उन्होंने की और पुनः एक बार जांच करेंगे, क्योंकि अब जो है वो पिछले 8-10 घंटों के अथक प्रयास से मलबा हट गया है, तो एक बार उसको और बहुत गहनतापूर्वक जांच करनी ज़रूरी है कि मलबा जो बाद में पहले जो था हटा हुआ या जितनी जगह थी उसके हिसाब से कुछ वहाँ पर चीज़ें इकट्ठी की गई जो हमारी टीम्स देखती हैं। लेकिन क्योंकि अब जो मलबा है वो ऑलमोस्ट पूरा हटा दिया गया है, उसको एक बार और हमारी टीम जो है वो पुनः बहुत डिटेल में उसको देखेगी, ताकि हम लोग इस पूरे तार्किक निष्कर्ष पे पहुंच सकें।